नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल और आप देख रहे हैं दी पब्लिक न्यूज चैनल। जी हाँ, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली एक घटना देखने को मिली है। जी हाँ, 1.5 लाख में लड़की को बेचा जाता था। जी हाँ, जिस्म फरोशी के धंधे तो देश में चल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मोदी राज में आज बिहार से किडनैप करके लड़कियों को 1.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। आखिर कहाँ सो रही है देश की पुलिस? आखिर कहाँ मोदी सरकार क्यों चुप बैठी है? जी हाँ, हरियाणा और यूपी, जी हाँ हरियाणा में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी सरकार है और इनके नाकों के तले ये गिरोह अपना गंदा काम करता रहा। लड़की की डील की जाती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में मानव तस्करी करने वाले 8 लोगों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। उनके चुंगल से 3 लड़कियों को मुक्त भी कराया गया है। न जाने ये धंधा कब से चल रहा है, न जाने ऐसे लोग देश में भरे बैठे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती है। जी हाँ, जब कंप्लेन होता है तब भी पुलिस कार्रवाई करने में काफ़ी टाइम लगा देती है। ऐसे तो लाखों केस है जिनकी कंप्लेन भी दर्ज नहीं है। जी हाँ, बिहार के अंदर जागरूक ना होने की वजह से या गरीब होने की वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, किसी की लड़की किडनैप कर ली जाती है, कोई अपनी बेटी को बेच देता है। आखिर बेटियाँ कब तक शर्मसार होती रहेगी? चलिए पहले नज़र डाल लेते हैं खबर पर। SP दीपक रंजन ने बताया कि जिले के मखदुमपुर थाना से एक लड़की के गायब होने का मामला दर्ज किया गया। उन स्थान में पता चला कि बिहार के अजय यादव, उत्तर प्रदेश के राजकुमार और हरियाणा के सुखबीर सिंह व बबलू सिंह मानव तस्करी का गिरोह संचालित कर रहे हैं। घर से भटकी लड़कियों को पटना जंक्शन पर पानी में नशीली दवाइयां मिलाकर पिला दिया जाता। बेहोश होने पर उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेज दिया जाता। एक लड़की का सौदा कम से कम 1.5 लाख में किया जाता। बिहार के सरगना अजय यादव को पटना के सिपारा थाना क्षेत्र के बेउट से गिरफ्तार किया गया। अजय के सहयोगी राकेश कुमार और पुतिया को नालंदा जिले के हिलसा थाना के ब्रह्मस्थान से दबोचा गया। SP ने बताया कि लड़की का सुराग मिला जिसने कुछ लोगों द्वारा भेजे जाने की बात कही। उसके बताए पते पर पुलिस टीम हरियाणा गई। हरियाणा के राजौर जिले के किटाना क्षेत्र में कैथल गांव से एक लड़की को बरामद किया गया। वहां अमन उर्फ विजय लड़की का पति होने का दावा करने लगा। उसने सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लड़की को 1,60,000 रुपये में खरीदा था। उसने निशानदेही पर 8 लोगों की गिरफ्तारी कर 3 लड़कियों को मुक्त कराया गया। SP ने बताया कि अभी कुछ लोग फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। यानी लड़कियों को बेचा जाता था, ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती थी और वहीं पर हरियाणा के राजौर जिले के किठाना छत्तर केथल निवासी अमन उर्फ विजय झारखंड के जसीडे से पूजा अहिरवार और उसके पति नील कुमार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कोतवाली से राजकुमार, पप्पू भाई ज्ञान सिंह बिहार के नालंदा जिले के हिलसा थाना के ब्रह्मस्थान निवासी अजय यादव व राकेश रूपुतिया इस गिरोह में शामिल है जिनको गिरफ्तार किया गया है। न जाने कब से धंधा चल रहा था, कब से जिस्म परोसी का धंधा कर रहे थे और देश के अंदर जिस्म परोसी का धंधा आज से नहीं बल्कि काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा है। आजकल भी जो लड़के हरियाणा के अंदर शादी नहीं कर पाते हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाती है, वो भी बिहार से लड़के लेकर आते हैं। जी हाँ, वो भी एक तरह से लड़की सेल एंड परचेज का धंधा है। 50,000 में 60,000 में डील होती है, चाहे वो डील सीधी डायरेक्ट लड़की के माँ बाप से ही क्यों ना हो। बिहार के अंदर ऐसे काफ़ी केस देखने को मिलेंगे कि लड़की के माँ बाप अपनी लड़की को बेच देते हैं। काफ़ी स्थानों में सुनने आया होगा कि ऐसे बिहार से शादी की जाती है और 2-3 दिन या 10 दिन रहने के बाद वो लड़की सोना लेकर फरार हो जाती है, यानी लुटेरी दुल्हन, जिसे बाद में करार दे दिया जाता है। आखिर ऐसे मामले आते ही क्यों हैं? सबसे पहले उन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है जो लड़कियों को खरीदते हैं, चाहे वो अपने घर की बीवी बनाने के लिए ही क्यों ना डील करें। जी हाँ, ऐसी शर्मसार घटना अगर आप अपने पास देखें, ऐसे मामले अगर आप किसी मर्द के साथ कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसी लेडीज देखें जिस पर आपको संदेह हो, तो ज़रूर इंक्वायरी कीजिए। आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली उनसे कि आप कहाँ से हैं, उनकी एड्रेस डिटेल ले सकते हैं, जिसके बाद इंक्वायरी के लिए आप उसे पुलिस को भी दे सकते हैं। लड़की अगर घबरा रही हो, लड़की से बात भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे ही इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें देश में एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाना है और हमें आगे बढ़ना है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं भी कहना चाहूँगा कि सरकार के अधिकारी, सरकार के बड़े अफसर इन चीज़ों पर तुरंत कार्रवाई करें।
बने रहिएगा दी पब्लिक के साथ, जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।